Hello everyone, this is Farooq Siddiqui, your host, and you are watching Sports Trend. Today we have a very special episode. हमारा जो प्रोग्राम है सेगमेंट मीट द स्टार्स में, और मीट द स्टार्स में हम अभी तक जो है वो कैनेडियन स्टार्स को लेके आ रहे हैं आपसे मिलाने के लिए। क्रिकेट के हमने रिजवान चीमा और साद बिन जफर जो के बड़े हमारे स्टार हैं कनाडा के, उनसे मुलाकात कराई। आपकी टोरंटो पुलिस की टीम से आपकी हमने मुलाकात कराई, और आज जो है हम एक बड़ा एक स्पेशल एपिसोड लेके आए क्योंकि हमारी वुमेन क्रिकेट जो है इज ऑन द राइज, और बहुत सारे जो लोग हैं उसमें हैं, शामिल हैं, स्टार्स हैं हमारे जो के मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनको जो है वो देखते हैं क्या उन्होंने की, कितनी मेहनत की, वो कैसे यहाँ तक पहुंचे। कुछ से आप पहले भी मिल चुके हैं और कुछ से आप जो है वो आज मुलाकात करेंगे। तो चलें हम बारी बारी करके बुलाते हैं सबको। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं हमारे साथ जो है वो पीएसएल बैठक में आपने देखा होगा हमारे साथ रही, हमारे साथ उन्होंने प्रोग्राम्स भी किए, बहुत अच्छा बोलती हैं, कम बोलती हैं लेकिन बहुत अच्छा बोलती हैं। तो हमको लेके आते हैं, कैनेडियन नेशनल वुमेन क्रिकेट टीम के साथ रही हैं, बहुत ही प्रोफेशनल खातून हैं। उनसे बात करते हैं मारुख इम्तियाज से। हेलो मारुख। मारुख भाई, मुझे नहीं पता था कि आप समझते कि मैं कम बात करती हूं। मैं आज उसकी बिल्कुल ही वो खत्म कर दूंगी। अच्छा, बिल्कुल कोई मसला नहीं। मैं तो खुश हूँ कि मारुख तुम आ गई हो, तो मेरा काम खत्म हो गया। तुमने लड़कियों से बात करना है तो मैंने बस ऐसे ही आज तो वो गलतफहमी खत्म करनी है। खत्म करनी है, अच्छा। उसके बाद जनाब अली हम बात करते हैं हमारी, हम कहते हैं वी आर आवर वेरी ओन, बहुत हमारे चैनल को लाइक करती हैं, प्रोग्राम्स को भी लाइक करती हैं। जब भी हमने उनसे सपोर्ट मांगा उन्होंने हमें सपोर्ट दी। इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करने में भी बहुत उनका हाथ है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं कनाडा की, बैटिंग का शौक बहुत है। हर जब मैंने देखा जितने बैट्स बॉलर होते हैं उनको बैटिंग का बड़ा शौक होता है, वो कहते हैं नहीं नहीं आपने मेरी बैटिंग नहीं देखी। तो इनका भी यही कहती हूँ, आपने मेरी बैटिंग नहीं देखी। मैंने भाई बॉलिंग भी तुम्हारी बड़ी कम कम देखने को मिलती है, लेकिन बहुत अच्छा खेलती हैं, बड़ी जो है वो हसमुख हैं। और आती हैं हिबा शमशाद हमारे, हमें ज्वाइन करती है। हिबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम फारूक भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग बताइए कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक है, अभी तक तो ठीक है, मगर लग रहा है मुझे ना आगे काफी सारी ख्वातीन के साथ अकेला मेरा कोई बुरा ही हाल होने वाला आज, तो इसलिए मैंने जो ना मारुख को बैकअप के तौर पे बुला लिया आपने। नो वरीज, अच्छा एक्सपीरियंस होगा आज भी। अच्छा होगा, चले अल्लाह खैर करे। बस फारूक भाई तो पता नहीं मैं हेल्प कर पाऊंगी या नहीं। नहीं नहीं आप करेंगे बिल्कुल। अच्छा नेक्स्ट पीरियड जो वो बहुत ही खेलने में बड़ा ही, और जब मैंने को देखा ग्राउंड में बड़ी फोकस रहती है और बड़ी सुपर फिट है क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन भी है। मैं एक रिसेंटली एक ओंटारियो का टूर्नामेंट देखने गया तो सब लोग मैच में बिजी थे, तो वो जो लड़की थी जो कोच को बुला के पूछती थी, कोच बताएं मुझे आप कुछ, कोच मैं सही कर रही हूँ, कोच मैं गलत कर रही हूँ। वेरी डेडिकेटेड, वेरी प्रोफेशनल, काफी अरसे से कैनेडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हमको बुलाते हैं मलिहा बेग। Assalamualaikum. Thank you for such a good introduction. Assalamualaikum Farooq bhai. Hi Hiba. Hi Maro. Waalaikum assalam. Thank you. Thank you for joining. Assalamu alaikum. It's fine. अच्छा, अच्छा उसके बाद जनाब अली हम कहते हैं कि हमारे जो आज के स्टार्स हैं उनमें सबसे से सीनियर प्लेयर, वैसे तो पता नहीं सीनियर कितनी है या नहीं है, लेकिन सीनियर प्लेयर हैं, बहुत अरसे से तकरीबन 11 साल से कनाडा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, बहुत ही सुपरस्टार हैं, बहुत ही तारीफ मैंने सुनी है। मेरी बदकिस्मती में अभी तक उनको खेलता हुआ एक्शन में नहीं देखा है मैंने, लेकिन ये कि होपफुली सून आई विल सी दैट। और जरा पहले भी हमें उन्होंने एक वुमेन शो में उन्होंने ज्वाइन किया था, आज भी ज्वाइन उन्होंने हमें किया है सानिया ज़िया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फारूक भाई। हेलो ऑल द लेडीज, हैवंट सीन यू गाइस इन पर्सन। लेकिन खास तौर पे जो है वो आरसेक स्पोर्ट्स ने इस प्रोग्राम के लिए हमें रिक्वेस्ट की थी के जनाब इस प्रोग्राम को आप करें। मैं अपने जो कैनेडियन प्लेयर्स हैं लड़कियां उनको प्रमोट करना चाहता हूं और उनके लिए कुछ सरप्राइज है, वो सरप्राइज क्या है जब वो आएंगे तो हमें बताएंगे। हम चलो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है, अच्छा हाँ हिबा बड़ी खुश हो रही, ये बड़े इनाम पकड़ती है। अब एक प्रोग्राम में आई थी उसमें भी टेप बॉल का बल्ला इसने लिया था। भाई तुम्हारा वो बैट हमारे पास अमानत है हिबा, जब भी मौका मिलता है। कुछ ज्यादा फ्री में मिलता नहीं है। अच्छा नहीं,
तो जहां मिल जाए ये होता है। अच्छा नहीं नहीं ये इंशाल्लाह ताला हम इसको चेंज कर देंगे और इसकी शुरुआत आज से ही इंशाल्लाह ताला जरूर होगी होगी। सबसे पहले चले सीनियर हैं सानिया, सानिया से पूछते हैं, सानिया ये शौक तुम्हें कैसे लगा था और कहाँ कब शुरू किया पैक्टिव, यहाँ पे खेला क्रिकेट या बाहर भी कहीं खेला आपने? देखिए शौक तो मुझे इन जनरल स्पोर्ट्स का है, बट आई स्टार्टेड प्लेइंग जब मैं क्लोज टू टॉडलर एज की थी। आई थिंक माय पेरेंट्स वांटेड अ बॉय व्हेन आई वाज बोर्न, तो मेरे अब्बू ने मुझे क्रिकेट सिखाया पाकिस्तान में। आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन पाकिस्तान टिल आई वाज 15। सही। एंड उसके बाद कमिंग टू कनाडा वैसे ही खेलती थी मैं, लाइक देयर वाज नथिंग लाइक प्रॉपरली सेट फॉर मी। मी एंड माय ब्रदर वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। एक दिन आई मैनेज्ड टू फाइंड दिस लोकल टीम बैक आई थिंक स्कारब्रो में, एंड देन दैट्स वेयर माय जर्नी विद कैनेडियन क्रिकेट स्टार्टेड। सो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी एथलेटिक, आई हैव बीन प्लेइंग स्पोर्ट्स, बट विद क्रिकेट इन कनाडा इट स्टार्टेड इन 2009 एंड देन आई गॉट ड्राफ्टेड इन द कैनेडियन टीम इन 2010। So it's been, I've enjoyed cricket. I recently started enjoying watching test cricket. So cricket just is enjoyable to watch and I love playing it too. और फरुख भाई इससे पहले कि आप बात करें, आपने आई डोंट थिंक जस्टिस किया मेरे टीममेट्स को इंट्रोड्यूस करते हुए, तो थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी हर किसी के ऊपर। तो सानिया जिया जब हम लोग 2019 फ्लोरिडा में गए थे, विदाउट अ डाउट कैनेडियन टीम की मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थी। नाउ उनने सबसे बेस्ट बॉलिंग की, उनकी फील्डिंग टॉप नॉच थी, टॉप नॉच, एंड उनकी बैटिंग बहुत जबरदस्त थी, टू द पॉइंट वे थर्ड ओडीआई के बाद उनको कमेंटेटर ने साइड पे किया, उनसे क्वेश्चंस पूछे कि आपकी टीम के बारे में हमें बताएं और आपके परफॉर्मेंस के बारे में बताएं। तो नॉट ओनली दैट वो सीनियर हैं, हाँ बिकॉज उनके प्लेइंग ईयर ज्यादा है, लेकिन वो मेंटर भी बहुत अच्छी हैं और लीडर भी बहुत अच्छी हैं। वो सबसे ज्यादा लाइक हमेशा जो भी उनकी एक्सपीरियंस है हमेशा पास ऑन करती हैं, हमेशा पॉजिटिव रहती हैं। सो वो मैं ऐड करना चाहती हूँ, फिर मैं जाती हूँ मलिहा गेट पे। हाँ थैंक यू। फिर मैं जाती हूँ मलिहा बेग पे। तो फिर मैंने जो सारे जो यूट्यूब के उसी 2019 फ्लोरिडा के टूर्नामेंट पे रहते हैं ना, सारे जो मैंने यूट्यूब वीडियोस पे देखे, आप उनके कमेंटेटर के रिमार्क्स देखें, सबसे बड़ी चीज वो बोलेंगे कि कैनेडियन विकेट कीपर वॉज अमेजिंग, which is true. Hamara wicketkeeper was amazing. Nothing went past her. And the biggest thing was she just started keeping, what, 6 months before, Malia? Or 8 months before? 1 year. 1 year before. 1 year before. It's the most difficult skill in cricket, hands down, right? Aside from fast bowling and leg spinning, like it's the most difficult skill. एक साल में फिर कैनेडियन क्रिकेट में खेला और फिर फ्लोरिडा में खेला इतने अच्छे कि उनकी जो कैप्टन थी सिंधु, जो उनकी विकेट कीपर थी, उनको वो मुकाबला दे रही थी। सो जस्ट समथिंग टू से अबाउट मलिहा बेग। एंड देन नाउ मूविंग ऑन टू हिबा शमशाद। हिबा शमशाद गई थी ट्रिनिदाद और टोबैगो, राइट? ट्रिनिदाद टोबैगो फॉर ग्रैंड स्लैम। शी इज वन ऑफ द लाइक व्हाट, वन ऑफ फोर कैनेडियंस, पूरी कैनेडियन वुमेन में वो चूज हुई थी। उधर गई एंड फर्स्ट ओवर में, यू नो वेस्ट इंडीज से कितनी क्रिकेट ट्रेनिंग मिलती है, कितना वो होता है, फर्स्ट ओवर में उन्होंने उनकी टॉप बैटर की विकेट ली थी। सही। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि लाइक आई डोंट थिंक आपने जस्टिस किया, क्योंकि ये सिर्फ स्टार्स नहीं है, ये सुपरस्टार्स है, सुपरस्टार्स। मैंने जानबूझ के किया, मुझे जानबूझ के किया कि ताकि तुम जो हो ना अपना हिस्सा इसमें डाल सको, लेकिन मैं मारूक के बारे में आप सब मिलकर बताइएगा। लेकिन एक चीज मैं, मेरे ख्याल में सबसे पहले मारूक से मिला कॉर्पोरेट क्रिकेट लीग में, जहाँ होती है मेंस की लीग होती है कॉर्पोरेट लीग मॉर्निंग में, भाई सबसे मुश्किल काम होता है फरहान भाई के मोहब्बत में ना सुबह 7 बजे ग्राउंड जाना। आई वांटेड टू ऐड, थैंक यू मारुक। मारुक हैज वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड कैनेडियन क्रिकेटर्स, बिकॉज़ आई हैव नॉट मेट मेनी अदर क्रिकेटर्स देयर कैन बी फाउंड, लाइक आई हैव नेवर सीन समवन सो डेडिकेटेड। एंड शी हैज गॉन फ्रॉम level, Maruk, I'm going to say level 0 to like level 9, 10 being the highest. Negative, level negative. I'll also add that this dedication was also acknowledged by Charlotte Edwards from England. So that's a huge thing. When we went to our
First trip was in Philadelphia and then to the Houston one. She yeah. saw the difference and she gave the full credit to Mark for that. चले जबरदस्त नहीं बिल्कुल मारू को क्योंकि मैंने काफी मुश्किल है बिल्कुल क्योंकि मैंने देखा मारुक को और वो मेंस टीम में थी तो मैंने फरहान भाई बोला मैंने कहा भाई इसको कहां से पकड़ के ले आए ठीक है तो फिर लेकिन मैंने कहा ऐसे ही चलो आ जाती हूँ लेकिन फिर मैंने देखा कि शी इज प्लेइंग इन द आई सॉ हर बॉलिंग तो मैंने कहा यार ये तो ये सही चीज है चले जनाब वो कहते ना कि जज था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया तो हमारे जनाब आरसेक स्पोर्ट्स के सुल्तान भाई जो है उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है और हम उन्हें खुश आमदेद कहते हैं आरसेक स्पोर्ट्स आपकी तमाम स्पोर्ट्स नीड्स के लिए उनसे राबता करें सुल्तान भाई यहाँ पे आ गए अस्सलाम वालेकुम सुल्तान भाई अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप वालेकुम सुल्तान भाई वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम मैं ये पहला शो है जिसमें मैं बहुत नर्वस होके आया हूँ आपकी हेल्प कर सकूं लेकिन ये इनका बोलने का हक भी है और मेरा ख्याल है इनको बोलना भी चाहिए क्योंकि ये वो रिकॉग्नाइज्ड और अभी जो ये इमर्जिंग प्लेयर्स हैं मैं इनको इसके ज्यादा बड़ा स्टार समझता हूँ क्योंकि कनाडा में चैलेंजेस एज कम्पेयर टू अदर नेशंस आर डिफरेंट यहाँ पे क्रिकेट की नेचर डिफरेंट है बहुत छोटे से पीरियड में क्रिकेट होती है फिर फैसिलिटीज इश्यूज हैं एंड वी अंडरस्टैंड प्लेइंग इन द ग्राउंड वेयर देयर नो फैसिलिटीज एंड वुमेन कम अप देयर एंड प्ले एंड देयर डेडिकेशन एंड विद देयर फैमिली जितनी भी इनकी कमिटमेंट्स होती हैं उसके बावजूद तो यकीन करें कि इट्स जितना भी इसको आप इनकरेज करें जितना भी इनको अप्रिशिएट करें वो कम है और चूंकि ये शो मेरे लिए इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरी तीन बेटियां और आज वो ये तीनों ये शो देख रही हैं स्पेशली एंड आई वांट टू सेट दिस इंस्पिरेशन फॉर देम कि यू नो देयर इज अ फ्यूचर एंड दे कैन बी व्हाटएवर दे वांट टू बी एंड ऐसे जो आप लोग एग्जांपल्स हैं ऐसे बेंचमार्क स्टार्ट कर रहे हैं ये आप लोगों को शायद रियलाइजेशन नहीं है इतनी कि आप लोग कितना बड़ा काम कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ किसी भी नेशनल टीम के लिए खेलना एक ना सिर्फ ऑनर की बात है आप लोगों को उसका उसको जो है ओन भी करना चाहिए और उसको यू हैव टू मेक मोस्ट आउट ऑफ इट हिबा से ऑन एंड ऑफ हमारी चैनल में बात होती रहती है मारुख को भी मैं देखते रहता हूँ मेरी वन ऑन वन पे नहीं हुई सोनिया एंड मलिया फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक वी आर इंटरेक्टिंग वर्चुअली इंशाल्लाह इन कमिंग फ्यूचर कभी ऐसे मौके बने क्रिकेट वापस आए हम इस लॉकडाउन और पेंडेमिक से निकले तो इंशाल्लाह आई वुड लाइक टू कम एंड सी यू गाइस इन एक्शन ऑन द ग्राउंड आई हर्ड ऑल द गुड थिंग्स अबाउट यू गाइस हिबा ने भी बहुत अच्छी एक दो मेरी इनसे कॉन्वर्सेशन की आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया था और इस शो का जो सारा का सारा आप कहें कि अगर उसको इंकरेज करने में या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने में फर्क भाई का बहुत बड़ा हाथ है और हम लोगों की ये एक विजन है कि अपने कैनेडियन क्रिकेट को क्रिकेटर्स को प्रमोट भी करें और लोगों को पता लगे कि हु आर दीज पीपल आप हर एक की स्टोरीज आप जिधर भी जाएं लोग आपको रिकॉग्नाइज करें आपकी एग्जांपल दें आपको फॉलो करें और सेट यू एज रोल मॉडल्स एंड गेट इंस्पिरेशन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू एंड आई थैंक यू ऑल फॉर कमिंग टेकिंग योर टाइम आई नो आप सबकी अपनी कमिटमेंट्स होंगी हिबा थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड हैविंग दीज वंडरफुल लेडीज कमिंग टू दिस शो एंड फरोख भाई आपको अगेन आई थैंक यू वेरी मच for taking this initiative it's a good thing hum log is cricket ko apne cricketers ko jitna aage leke ja sakte hain hum apni bharpoor koshish karenge long awaited meri ye bahut khwahish thi bahut arse se ki main kisi platform pe aake kisi tarah bhi assist kar saku apni canadian cricketers ko females ko for men seniors aur kuch thoda sa youth mein to already kar rahe lekin aap logon se अभी तक इंटरेक्शन उस लेवल का हुआ नहीं सका था लेकिन थैंक यू वेरी मच अगेन फरुख भाई जी जी मैं आप बड़ा जो ना वो कहते हैं ना जैसे पंजाबी जमाने के सीधा हो गई तो मैं आज बड़ा सीधा होकर आपसे एक सवाल करता हूँ कि यार वो मैन जो होते हैं ना किसी भी लेवल पे देखा उनके बड़े जनाब यार ये उनको उनको स्पॉन्सर भी किया जा रहा है बल्ले भी मिल रहे हैं और पेंटे भी और शर्टे भी तो इन्होंने तो ऑफ एयर मुझसे बकायदा शिकायत की है कि यार हमें तो बस लोग थोड़ा सा ताली बजा के तो वो आगे बढ़ा
सुल्तान भाई, यानी कि मुझे पता है वैसे आपके दिल में बड़े अच्छी वो हैं, कोई कुछ आप सिर्फ बातों तक रहेंगे या कुछ इनके लिए आपने कुछ सोचा है? ये मैं शुरू में ही हो जाएगी। हाँ नहीं नहीं, आपने बिल्कुल अच्छा किया सामने रखा है। देखिए मेरा जो विजन है कनाडा में क्रिकेट, आपको पता है मैं क्रिकेट से अफिलेटेड मतलब खेल रहे काफी अर्से से, अपने जो बिजनेस करने के रीजन भी एक ये है कि उसको सपोर्ट किया जाए। पहले कर रहा था बिजनेस से पहले, बट इसको शुरू करने का ही मकसद था कि किसी तरह ऐसा सेल्फ सफिशिएंट किस्म का प्रोग्राम हो जो कि असिस्ट कर सके, हेल्प कर सके, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं। और इंशाल्लाह अभी तो पेंडेमिक है, things are not in the normal circumstances, and when it comes back to full swing, and inshallah dekhi us exports itni purani company ya itna purana brand nahi, it's like only baby 3 years old, but inshallah gradually when it improves, I know you guys have commitments and you have to go, and I won't take too much of your time because I think aap log ne sab ne apni stories share karni hai. और आई वुड लाइक टू स्टे हियर एज मच एज आई कैन, बट आई वुड लाइक टू से दिस के जितने भी मारुख, आर यू आल्सो प्लेइंग दिस ईयर या आप सिर्फ कोचिंग कर रही हैं? नहीं नहीं, फॉर भाई सॉरी सुल्तान भाई, अभी तक तो खेल रहे हैं, अगले 10 साल तक होपफुली कोचिंग की वीडियो में कर रही हैं वैसे जो है। हां खेलती हैं मारुख, बड़ी ऑफ स्पिनर, बड़ी टाइट किस्म की है ये। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, आई थिंक मैंने कॉर्पोरेट क्रिकेट एक सीजन खेला था, आई हैव सीन वन लेडी ओवर देयर, आई थिंक दैट वुड बी यू, बट आई डोंट रिमेंबर यू फ्रॉम देन। सो बेसिकली आज के शो पे जो, और डोंट थिंक कि दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, ओके गाइस, सो इट गोज ऑन, बट you guys, as long as you commit yourself, you do as much give back to cricket and you know prove yourself, then definitely things come better way. So basically Aashiq Sports ki taraf se aapko jitne bhi hamare char female aayi hain un sabko clads milenge jo ki batting covers hote hain, aap sabko hamari practice jerseys milengi Aashiq Sports ki, aap sabko hamare fashion masks milenge, aap sabko hamare नए बॉल मिलेंगे, आप सबको हमारे Aashiq Sports के टॉप ऑफ द लाइन प्लेयर एडिशन के बैट मिलेंगे, और इसके अलावा एक बोनस ये भी है कि आप चारों में से, मैं एक क्वेश्चन करूंगा और आप चारों में से किसी ने भी करेक्ट आंसर दिया तो आई थ्रो एंड पेयर ऑफ ग्लव्स फॉर दैट पर्सन एज वेल, अगर आप चारों ने उसको सही आंसर दिया तो फिर आप चारों को मिल सकते हैं। तो वो क्वेश्चन ये है, आप लोग, मैं इनकरेज भी करूंगा आप इस शो को देखे जाएंगे, इसमें हम बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप गैस कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन ये है कि इफ एनी ऑफ यू कैन गैस कि मेरे फेवरेट बॉलर कौन है, इट कुड बी एनी इंटरनेशनल मैन बॉलर है, और इट कुड बी फ्रॉम द पास्ट और एक्टिव प्लेयर भी हो सकते हैं। तो आप एक आधा मिनट सोच लें और उसके बाद फिर मैं आई गो अराउंड, जिसने भी सही आंसर दिया she will get the pair of gloves. Sultan bhai, are you Pakistani? मैं पाकिस्तान। मैं 21 questions पूछ सकती हूँ आपके बारे में? हाँ, मैं ये सोच रही हूँ कि थोड़े से questions हैं। School बहुत बड़ा है ये। इस era से, पहले के era से? Sorry, come again. Is he from this era? Player जो है वो किसी भी एरा से हो सकता है। अच्छा मैं ये आसान कर देता हूँ, मेरे एरा का वो तो इनको तो पता भी नहीं होगा, तो पैदा भी नहीं हुए थे कोई। पेस बॉलर है। मैं स्पिनर सोच रही थी। नहीं स्पिनर नहीं, मैं क्योंकि पेस बॉलर था, अब मैं स्पिनर बन गया लेकिन विद टाइम। सुल्तान भाई जैसे एमएमए फाइटर भी रहे हैं, आपको पता है? वाओ, देखिए वो 92 के वर्ल्ड कप में थे फाइनल मैच में। नहीं, कुड बी एनी, जरूरी नहीं है पाकिस्तान। जितने सारे मैंने बॉलर सोचे थे, I think Waqar Yunus. Oh my god, yes, you got it. I was going to say that. I was close. So, आपने बोला pace bowler और 92 के final में नहीं थे, and I was like, that is why I said Sanya got it so close because it was such a big hit. Sanya, और पानी पियो Sanya, तुम और पानी पियो. Actually, I think इसमें एक ग्लास Sanya को मिलना चाहिए और एक ग्लास मारो को.
you know, एक left एक right. ये थोड़ा सा उन्होंने पहले बोल दिया मैं एक एक करके जान चाह रहा था, चलो लेकिन ये है कि एक और काम करते New question. अब एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर सेकंड वन के लिए कि चले एक पे तो ग्लव मारुफ का हो गया, अब राइट हैंड है लेफ्ट हैंड है? राइट हैंडेड राइट हैंड है अच्छा जी एक और क्वेश्चन है उस पर भी आपको पेयर ऑफ ग्लव्स मिल सकता है, आप मुझे ये बताइए और ये शायद आप लोगों को थोड़ा मुश्किल होगा गैस करना, मेरे फेवरेट बैट्समैन कौन है? ये एक्टिव प्लेयर नहीं है, पुराने एरा से हैं और कैरेबियन से हैं, चले मैं आपके लिए इतना आसान कर देता हूँ, बट दिस टाइम आप सबको बोलने से पहले हाथ खड़ा करना होगा, फरूख भाई विल चूज कि कौन पहले बोलेगा, फरूख भाई आप चूज करें। सानिया 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 सीनियर रैंक को हां ब्रायन लारा ही इज अ लेजेंड बट नो दैट्स नॉट द आंसर हिबा सर वो सर विविज जो है राइट हैंड भी होगी और अब आप ये बताइए बैटिंग राइट करती हूँ तो अच्छा तो ये आपका वो मिल गया कॉम्बिनेशन राइट लेफ्ट वाला मुल्तान भाई एक्चुअली विव रिचर्ड्स की बहुत ही ऑसम स्टोरी है जो बहुत हर किसी को सुननी चाहिए आई थिंक हम जस्टिस नहीं करेंगे अगर हम वो स्टोरी नहीं सुनाएंगे तो हमें इनविटेशन मिला था प्री पार्टी GT20 की 2019 में ना 2019 था आई थिंक 2018 तो मैं हिबा और मलिहा यू नो हम लोग गए उधर उससे सारे स्टार्स थे गेल सबके साथ पिक्चर्स नहीं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी फिर हम लोग को नजर आए विव रिचर्ड्स राइट फिर हमने हम गए नहीं सादत ने एक्चुअली ये विव रिचर्ड्स आई एम लाइक सही है हम सब गए हमने सब पिक्चर ली सब खड़े हुए हमने उनको बोला भी कि आप प्लीज हमारे साथ पिक्चर्स लेते हैं क्रिस गेल से बात कर रहे थे कहते हैं ओके सही तो बहुत मतलब शर्मा रहे थे बहुत ज्यादा कि पता नहीं मैं चलो सही तुम लोग को पिक्चर लेनी है पिक्चर ले लो हम खड़े हुए जैसे ही वो खड़े हुए हिबा के जो अभी हस्बैंड है कादर हिबा हम सब मलिहा के शक थे काफी लेकिन वो नहीं फिर नहीं हुआ है साथ we both went close to him to take a picture and when we were walking close to him and we turned around to take a picture I knew and Maruk knew it too he's not Viv Richard that's why he was so like confused and why are these people taking a picture with me and we thought he was shy and we were like oh my god we're such big fans you played such good cricket and this guy's just like what so basically that was our Viv Richards moment थोड़ा सा बात करते हैं लड़कियों से सुल्तान भी कि सनिया क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारे क्रिकेट खेलने का इनकरेजमेंट मिली चैलेंजेस क्या क्या आए और फिर सक्सेस जो मिली उसमें मजा आया कि सक्सेस या थोड़ा लगा कि नहीं यार मेरे ख्याल में और थोड़ा सा हमें जो है वो रिवॉर्ड मिलना चाहिए था क्या तुम्हारी स्टोरी है देखिए मेरी स्टोरी 2010 से स्टार्ट हुई एंड 2010 में कनाडा वाज एट इट्स पीक with women's cricket. We qualified for the ICC T20 World Cup qualifiers. Okay. Aur so that was it had a momentum going. So us waqt koi challenges nazar nahi aa rahe the. I was actually single, family, I had no family pressure. I was practicing. Canadian cricket was doing well and then after when we lost, all funding was taken away from us. And that's when all the issues jo already the were just we could see them out in the open we did not have a coach we did not have a facility that would take us we had no one sponsoring our practices anymore we as a team we were not playing as such koi Toronto mein league bhi nahi thi jo hame you know would allow us to play as a women's team we were playing with like the boys team so those were the challenges and uski wajah se I think Canadian women's cricket has been set back for like a good 8 years and these girls were already there in Canada but they weren't playing cricket so this is in 2013 right and we
grassroots level for women's cricket had completely shut down. So that was one of the major challenges I've seen. No girls were playing. So aapke pipeline mein koi players hoenge nahi. Indian cricket kaise grow karegi, right? कौन लोग थे उस वक्त राइट अराउंड 2010-11 जो भी आपका एरा उस वक्त का था उसमें जिन जो लोग इस चीज को चला रहे थे एंड पॉजिटिवली अच्छा कर रहे थे और प्लेयर्स कौन कौन से थे आपके साथ कुछ बताओगे आप याद है प्लेयर्स तो मुझे याद है जो मैनेजमेंट टीम है उनके नाम नहीं याद आई डोंट थिंक क्रिकेट कनाडा में अब वो दे आर नॉट एक्टिव इन द कनाडियन क्रिकेट मैनेजमेंट एज सच कोच जॉर्ज कॉडरिंगटन थे आई थिंक ही ट्राइड हिज बेस्ट जो भी उनके ड्रॉबैक्स होंगे ही ट्राइड हिज बेस्ट विद व्हाटएवर ही वाज गिवन हमारी बीसी की टीम बहुत स्ट्रांग थी दे हैड अ गुड स्ट्रक्चर गोइंग ऑन इन बीसी अ लॉट ऑफ क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड शेरिल थी जोआना थी देन वी स्टिल हैव मोनाली आई डोंट नो इफ शी इज गोइंग टू बी प्लेइंग नताशा स्प्रिंगेट ऑल रियली गुड cricketers however their age was at the end of their cycle right they were going to eventually fade away from the national team so it was a very positive experience once I started but then it went through a major decline and that's when I think Canadian cricket ka bahut zyada setback hua sahi hai it was fun playing at that point but I've seen it go to rock bottom and now that we have girls like what you see Maliha Hiba Maro आपको ड्राइव किया गया यार क्रिकेट खेलनी चाहिए और कनाडा में खेलनी चाहिए अब्बू ने माय फादर उन्होंने मुझे लाइक व्हेन आई वाज 3 मुझे खेलना सिखा दिया था एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी नेचुरल बॉलर सो इट जस्ट मोमेंटम बना हुआ था आती थी क्रिकेट सो आई जस्ट जॉइंड इट एंड आई वाज डूइंग वेल दैट मेड मी प्ले व्हाट ड्रोव मी टू कीप प्लेइंग वाज दैट आई वाज पार्ट ऑफ द नेशनल टीम एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दैट नेशनल टीम एंड इट एक्चुअली ड्राइव्स मी टू प्ले एवरी डे इफ पॉसिबल पेंडेमिक में to play every day and I'm still playing as two girls I've converted to two girls in that time so it's a lot of time commitment with zero reward but the reward is for playing cricket for Canada and playing with girls like this so I keep on playing yeah no, that's a good dedication bahut achhi baat hai acha Farooq bhai ye hamare jo aaj ke jo panelists aaye hue hain ये तो 50-50 वाला मामला हो गया अब दो ने तो जीत लिए और दो जो हैं वो बाद में फिर मुझे कभी इतराज कर देंगी तो फिर नाइंसाफी हो जाएगी अब ये मेरी सारी बहनें हैं और बहनों के जो है बड़े हकूक होते हैं और वो पूरे करने के लिए सर जोड़ के जो है ना वो हर करना पड़ता है मेहनत एक्स्ट्रा करिकुलम एक्स्ट्रा लेवल पे जाके तो अब दो सवाल आप इन दोनों से क्योंकि दो जो कंटेंडर ऑलरेडी आप लोग जो जीत के हैं तो मैं विद योर परमिशन चाहूंगा कि इन दो जो हैं इनको भी थोड़ा सा मौका दें तो दो सवाल इन दोनों से कर लें सिर्फ अब आप दो सवाल आप करें इनसे एक एक करके और अगर ये जवाब दे जाए तो इंशाल्लाह एक तो मैं कर लेता हूँ चलो एक आप सानिया अगर ये जवाब आपने नहीं दिया ना तो आप ग्लव्स नहीं आप मुझे कोई तोहफा भेज दीजिए अच्छा सवाल ये है कि आप मुझे एक और ऐसी कंट्री का नाम बताएं जिसकी नेशनल गेम क्रिकेट रह चुकी है ये तो पता होना चाहिए क्रिकेट रह चुकी है हाँ या मतलब अभी है ना अभी क्रिकेट है अभी नहीं कनाडा की भी नेशनल गेम क्रिकेट के एक जमाने जी एग्जैक्ट यही मैं आपसे क्वेश्चन पूछा बिल्कुल सही तो आपको भी एक आपको पैराग्राफ मिल गया अब आप आखिरी क्वेश्चन मलिया से आप पूछ सकते हैं सर कोई ऐसा पूछेगा जिससे मलिया जो है वो जो है हमें जवाब दे और मैं पूछूं हाँ चले हिबा ये फरुख भाई चलो हिबा के लिए हूएवर कैन आंसर इवन फरुख भाई इफ यू कैन आंसर
क्या दोगी? हम जवाब देंगे तो हमें भी दुख, ये तो एक सुल्तान भाई ने मुझे ग्लव्स दिए ना, वही मैं किसी और को दे दूं। मेरे गैराज में बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है आरसेक स्पोर्ट की। नहीं, इट्स जस्ट अ फन क्वेश्चन, इफ यू गाइस वांट टू आंसर। एवरीवन नोस दिस पर्सन सूता, ठीक है? हु कैन स्पेल द लास्ट नेम? माय लास्ट नेम नहीं है। Suta is a short form, right? Sutarshini is the full name. Huh, Sutarshini. And then there's a last name. If you can spell that, then you can have everything. Okay, next question. हम लोग भी वैसे बहुत खराब हैं। हम लोग कभी हमारे अम्मी अब्बू ने स्पेलिंग भी में नहीं भेजा हमें। तो मैं मलिया एक आसान सवाल करता हूँ, शायद तुम्हें आना चाहिए। किसी भी, आप क्योंकि कीपर हो, राइट? तो किसी ऐसे कैनेडियन कैप्टन का नाम बताओ, इधर मैन और वुमेन, मोस्टली मैन, जो विकेट कीपर भी था। अगर आपने जवाब दिया तो आपको विकेट कीपिंग ग्लव्स मिल जाएंगे आपको। हाँ, जवाब दे, विकेट कीपिंग ग्लव्स बस डन हो गया। लेकिन जवाब दे दो जल्दी से, गूगल कर लो कोई। नजर नहीं आ रहा। आशीष, यस 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 यस, आई डोंट नो द लास्ट नेम। आशीष बगाई, किस वर्ल्ड कप में वो कैप्टन था? एक ही वर्ल्ड कप में कनाडा गया रिसेंटली, मिलिया पॉइंट क्या था वो ईयर 2000? तुम्हारे पैदा होने से थोड़े दिनों के आगे पीछे की बात है। मेरे पैदा होने से थोड़ा आगे पीछे? एक नीचे आ जाओ। You're in that area, but just me actually. हिबा confused कर रही है, जानबूझ के आपको। यार हिबा का ना एक ग्लास हमको देंगे जिसका अंगूठा नहीं होगा जिसके अंदर। चलो। As long as मुझे keeping gloves मिले। 2011, right? Everybody, we remember correctly. Yeah, 2011 की बात है। Good. और तभी हम गए थे और फक्त कुछ हमारे stars भी recognized हुए थे। वैसे ये थोड़ी सी नाइंसाफी ऐसे है कि जब bigger spectrum पे जाके teams खेलती हैं तभी recognized होती हैं। यार हिबा का तो ग्लव्स दे ना, बाकी वापस ले लेना चाहिए इसको। बोलो कि वो इनर स्पैन के बैटिंग किया करे। ये इन्होंने तो पूरे सन ही गिनवा दिए इधर बैठ हुए देख रहा था। हर सन चैट में आ गया। हमारे वो लोग जो टाइम लेकर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, ये थोड़ा सा हमारा ऑड टाइम है। रोजली हम लोग लेट प्रोग्राम करते हैं, मगर एक दो की वजह से जल्दी। तो ये प्रोग्राम हमारा फेसबुक पे भी लाइव है, यूट्यूब पे भी लाइव है और हमारी IPTV चैनल पे भी लाइव है। YouTube और Facebook पे आप कभी भी वापस जाकर इसको देख सकते हैं, वहाँ रिकॉर्डिंग होगी। IPTV चैनल जो स्पोर्ट्स ट्रेंड है उस पे ये एक हफ्ते तक तो मेरी गारंटी है कि जनाब अली इस पे रिपीट चलता रहेगा। और बाकी हिबा ने वादा किया कि वो कढ़ाई बना के खिलाएगी तो हम एक दो हफ्ते और इसको चला देंगे वहाँ पे। तो हम भाई आपके लिए ठीक है तो हम जो है ना वो, लेकिन मैं सर्टिफाइड कराऊंगा। मतलब साझा से ऐसा ना हो कि वो तुम हमें जहर मिला के खिला दो उसके अंदर। अच्छा, इमरान अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जनाब इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। इमरान भाई बहुत जबरदस्त टेप बॉल के टूर्नामेंट्स कराते रहते हैं, बहुत शौकीन आदमी है। सलमान खान जो बादशाह प्रोग्राम करते हैं रिजाइना से, वो कह रहे हैं इट्स ग्रेट टू सी स्पोर्ट्स एंड टेकिंग स्टेप फॉरवर्ड सपोर्टिंग वुमेन क्रिकेट। थैंक यू वेरी मच सलमान, आपके पैसे आपको पहुंच जाएंगे। सैयद इम्तियाज जैदी साहब हमारे बहुत ही लॉयल किस्म के जो है वो फैन है, फॉलोअर हैं, और मारुख इम्तियाज के जनाब अली फादर हैं, कह रहे हैं कि स्पोर्ट्समैन लाइक ऑलवेज सपोर्टिंग वुमेन क्रिकेट। बिल्कुल, थैंक यू इम्तियाज भाई। इमरान अब्दुल्ला दोबारा कह रहे हैं कि अवर फीमेल क्रिकेटर डिजर्व ऑल द सपोर्ट, दिस इज द राइट फोरम टू अप्रिशिएट एंड इनकरेज अवर वेरी ओन फीमेल क्रिकेटर्स। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, यही है।
इबाद मसूद, आई एम आरजे इबाद फ्रॉम कराची, लेजेंड क्रिकेट. अच्छा भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी. सो थैंक यू. हिबा क्या कह रही है, किसको कह रही हो हिबा, ये क्या हो रहा है ये सब. और हानी खान कह रहे हैं, हानी बड़े अच्छे हैं, ये दो तीन ग्रुप्स के अंदर हैं, बड़े बेहतरीन, दिन भर चुटकले वाले कमेंट्स करते रहते हैं. हानी कहें, विशिंग द कैनेडियन वुमेन क्रिकेट ऑल द बेस्ट इन देयर फ्यूचर टूर्नामेंट. यार हाँ, इस पे हम बात करते हैं. मेरे ख्याल में सानिया को शायद मेरे ख्याल में जाना था, तो वो चली गई है. शी हैज अ वेरी यंग बेबी. हमारे जो वुमेन डे प्रोग्राम में आई थी तो द बेबी वॉज इन देयर प्रोग्राम टू. तो थैंक यू सानिया, आपने हमें ज्वाइन किया. अब हम बाकी अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं, अब इसके बाद आते हैं. तो बताओ भाई मलिया, जरा क्विकली अभी तक सबसे कम तुमने बोला है, तो कैसा क्रिकेट का शौक तुम्हें अचानक कैसे हो गया? और मैंने देखा फील्ड में यू आर लाइक वेरी अलर्ट और बड़ी वो कहते हैं ना कि वो बेहतरीन किस्म की कीपिंग करती हो. तो एक तो क्रिकेट खेलना फिर कीपिंग करना, ये कैसे आया ये? तो आई थिंक नया शौक नहीं है क्रिकेट, शौक बहुत पुराना है. सो आई थिंक विद पाकिस्तान जब आप ग्रो अप हो रहे होते हो एंड एवरीथिंग. ये ना कहना कि मैं भी इमरान खान की वजह से क्रिकेट खेल रही हूं. नहीं नहीं, मैं अपने डैड की वजह से क्रिकेट खेलती हूं. तो अब्बू की वजह से हमेशा से शौक रहा, बचपन से ही वो लाइक यू नो ऑलवेज उनके खुद के गेम्स हो रहे होते थे तो वो लेके जाते थे, तो मैं बस बाउंड्री लाइन पे खड़े होके बॉल पकड़ रही होती थी. अच्छा अच्छा. स्टार्टेड एंड देन कीपिंग एक्चुअली इज वेरी रीसेंट. I would give the credit to one of my coaches, Sudha. Abhi Hiba bhi jin ki baat kari thi. She's the one who picked me out and said, I think you would be good at keeping. Cricket ka hamesha se shauk tha, but 2010 mein actually maine Sanya ke saath thoda sa khela tha for one summer. And then because of university and everything, I stopped playing. Aur 2019 mein maine wapas khelna shuru kiya. To 2017, sorry, actually. It's been a great journey and inshallah hoping to continue it. So that's how I started. सही. अच्छा वैसे बड़ी खुशी की बात है कि जितने भी हमारे ये लोग प्लेयर्स हमारे हैं, खासतौर पर फीमेल क्रिकेटर्स, मैं काफी प्रोग्राम गया हूँ इवेंट्स में और कवर किया, तो उन्होंने सिर्फ क्रिकेट खेली नहीं, उन्होंने बाकायदा प्रोफेशन जो भी है वो अपना तगड़ा प्रोफेशन है, सब अच्छा काम करते हैं. मारुख कॉर्पोरेट लेवल पे काम कर रही है, मलिया भी आई थिंक काम कर रही है, हिबा भी काम कर रही है. तो ये एक बड़ा दिस इज समथिंग मैंने देखा कि जो कहते हैं खेल कूद में लग गए, लेकिन ये कि आप लोगों ने बड़ा बैलेंस रखा, विच इज एन अमेजिंग अमेजिंग थिंग टू डू. तो जबरदस्त. सुल्तान भाई कोई हिबा के लिए सवाल है या मारुख के लिए, वो जिसे पूछेंगे इनकी जिंदगी में क्या क्रिकेट का जो है कहाँ से इनको बिजली का झटका कैसे लगा? देखिए ये तो बात है कि कहाँ से लगा, और मैंने कमोबेश इन्होंने बता दिया है कि इनकी इंस्पिरेशंस क्या रही हैं. हाँ, बेसिकली क्वेश्चन पूछने वाला इनसे है कि वेयर डू दे गो फ्रॉम हियर, एंड ये अब यहाँ से अपने आपके करियर को किस तरह लेके जाते हैं, व्हाट इज द ट्रांजिशन प्लान, कि अब आप लोग जो अपना इतना आप लोगों ने टाइम दिया क्रिकेट को, जो कुछ आपने अचीव किया और वो आपने जो हैंड ओवर करके जाना है नेक्स्ट जनरेशन को, तो क्या आप देख रहे हैं कि नई जो लड़कियां हैं वो इमर्ज हो रही हैं और ये पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है, और वो नंबर ऑफ प्लेयर्स जो आपके वक्त में था क्या वो इंक्रीज हो रहा है? तो हिबा आप बताएं इसके ऊपर. फॉर श्योर सुल्तान भाई, अभी भी फॉर एग्जांपल जैसे हम तीनों क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जब भी हम लोग को चांस मिलता है टू लाइक कोच यंग गर्ल्स और जस्ट लाइक काइंड ऑफ शो देम व्हाट क्रिकेट राइट नाउ इज फॉर वुमेन्स इन कैनेडा, हम लोग जब जब चांस मिलता है वी डू दैट. इनफैक्ट अभी लास्ट ईयर, आई थिंक इट वॉज लास्ट ईयर, जब हम लोग ने मिल्टन में यंग गर्ल्स की कोचिंग की थी बिटवीन द एज ऑफ 6 to 12 आई बिलीव इट वॉज, एंड उससे फिर हम लोग को आइडिया हुआ कि देर आर लॉट ऑफ गर्ल्स हु वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट बट दे डोंट गेट दैट मोटिवेशन, या दे डोंट नो द एग्जैक्ट पार्ट वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम एंड वेयर टू एग्जैक्टली गो फ्रॉम देयर. तो हम लोग जहाँ जहाँ चांस मिलता है वी ऑलवेज गिव इट अ ट्राई. जहाँ देखते हो मैं मारुख पहुंची हुई होती है, किसी को कोच कर रही होती है, कोई ना कोई सेशन हो रहे होते हैं, जहाँ चांस मिलता है मलिया इज देयर टू कोच यंग गर्ल्स टू. सो हम लोग का मेन गोल यही है कि येस वो प्ले एज मच एज क्रिकेट, हम लोग को जितना चांस मिले वी वॉन्ट अ कंटिन्यू प्लेइंग. लोकल लीग भी हो, इंटरनेशनल भी हो, वी वॉन्ट अ प्ले, वी वॉन्ट अ गेट कैनेडा टू दैट लेवल. But at the same time, we want younger girls to come up so that once we retire from cricket, they can, like the team can continually grow
from the younger girls. So that's our main goal, that we, I would say. And then Maruk, I'm pretty sure you'll have more to add. क्या कैसे आएंगी लड़कियां भाई, मीन खैर गेम आजकल तो पिछले डेढ़ दो साल से बिल्कुल बंद है, लेकिन कैसे आएंगे? स्कूल्स में कोई हमारे यहाँ इतना उनको तवज्जो नहीं दे रहा, कोई प्रोग्राम्स नहीं हो रहे, कोई एक टूर्नामेंट हुआ था तुम लोगों ने जीता था जो मिकी ने करवाया था ब्रैम्पटन वालों में, तो आप लोग आई थिंक क्रिएव जी की तरफ से खेले थे, वो फैसल भी बड़ा सपोर्ट करता है, जवाब दिया कि यू नो जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एक्सपोजर की, जैसे अभी भी हम आए हुए हैं, आज फ्राइडे नाइट है लाइक यू नो, लेकिन इधर शो पे आए हुए क्योंकि हम लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, एक्सपोजर बहुत बड़ी चीज है और जो भी हमें चांसेस मिलते हैं हम कोशिश करते हैं कि फीमेल क्रिकेट को एक्सपोजर मिले। और दूसरी बात, आई थिंक सुल्तान भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि ट्रांजिशन कहाँ का क्या होता है, करियर कहाँ जाता है, तो मैं तो फुल बिलीव करती हूँ कि आप सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, सही है। सो अगर मैं एज अ वुमन, एज अ क्रिकेटर, जो रियलाइज करती हूँ कि वुमेन बीइंग अ वुमन उसके खुद के चैलेंजेस हैं, इफ मैं अगर हर दिन आई शो द डेडिकेशन, आई एम एबल टू लाइक कम आउट हियर टॉक अबाउट क्रिकेट एवरी चांस आई गेट, मैं कोच करती हूँ, एवरी चांस आई गेट आई टॉक टू दीज यंग वुमेन, एवरी चांस आई गेट आई टॉक टू माई टीम मेट्स, यू नो किस तरह इम्प्रूव करना चाहिए, किस तरह वी कैन बी बेटर, हाउ वी कैन जस्ट हेल्प द क्रिकेट ग्रो, तो मैं उस चीज़ पे फोकस करती हूँ। दूसरी चीज़ जो आई थिंक हम लोग सब करते हैं, वो हमारे पास काफ़ी अच्छी लीडरशिप है दुरिया सिराज में, अब वो जो वुमेन्स कोऑर्डिनेटर है क्रिकेट कैनेडा की, वो काफ़ी चीज़ें लेकर आ रही हैं, तो यू नो टू ग्रास रूट लेवल पे, एंड फॉर मी अगेन मैं कंट्रोल कर सकती हूँ उनको, उस तरह के लोगों को सपोर्ट करना, और जिस तरह आपकी तरह के लोगों को सपोर्ट करना, यू नो कि आप हमें एक्सपोजर दे रहे हैं, तो दैट्स व्हाट हैपेंस, दीस यंग गर्ल्स होपफुली यू नो वॉचिंग विद देयर डैड्स, वॉचिंग विद देयर ब्रदर्स, आर लाइक ओह दीस पीपल आर क्रिकेटर्स एंड देयर फीमेल, ओके, सो ये एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है, एंड आई नो हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जितना मेरे कंट्रोल में है उतना मैं कर रही हूँ, और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि हिबा भी और मलिहा भी जितना उनके कंट्रोल में है कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं एक और क्वेश्चन करूंगा बिफोर वी गो टू मलिहा, के कमिंग फ्यूचर अगर ऐसे प्रोग्राम अरेंज किए जाएं फरूख भाई आप की इजाजत से, तो वुड यू गाइस बी अवेलेबल टू कम, एंड यू नो इट शुड बी ऑन गोइंग बेसिस बिकॉज़, एंड ज्यादा टाइम ना हो, 30 मिनट हियर एंड देयर that helps, क्योंकि आप लोगों को पता क्या होता है, एक शो आप करते हैं और उसके बाद थोड़े दिन तक उसकी वाइब रहती है, उसके बाद फिर लोग भूल जाते हैं, लेकिन अगर ये कॉन्स्टेंट रिमाइंडर आता रहेगा तभी इंस्पिरेशन बढ़ेगी, और आपको जितना ज्यादा रिकग्नाइज लोग करेंगे उतनी ज्यादा आप एग्जाम्पल बनेंगे। दिस इज व्हाट आई बिलीव, कि आप अगर अपने टाइम में से थोड़ी सी कमिटमेंट भी दें तो उससे वुमेन क्रिकेट के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि वी हैव टू ऑलवेज थिंक फ्यूचर राइट, अभी आप एक जब प्लेटो को अचीव कर लेते हैं उसके बाद गिविंग बैक का टाइम आता है। I think अगर उन नोट पे देखा जाए तो इंशाल्लाह हेल्प होगी। मलेहा, you can add more to it now. Yeah, I think it's very important. आपने सुल्तान भाई जो बोला, because हम लोग को obviously जिधर भी support मिलेगी, we will want to use those platforms in terms of like you know just our growth and recognition and all as well. तो इसीलिए अगर ये आपको ongoing platform use करना है, so that's really going to help all of us as well. सही, बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक सवाल है तीनों से कि आपसे थोड़ा सा पहले और आपके साथ, ठीक है, और तीसरा पार्ट है आपके बाद, बात तो नहीं यानी कि नेक्स्ट एक दो साल में कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने आपको इंस्पायर किया था, ठीक है, कैनेडियन लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, और फिर उसके बाद जो आपके साथ खेल रहे हैं अभी, जैसे मैं कुछ को मैं जानता हूँ, मरियम खोकर चीज बड़ी डिसेंट, कामिनी है वो बड़ी अच्छी है, राइट, एक और लड़की है मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, अच्छी, यस वो है, आप हमारी कायनात काजी हैं जो बड़ा जबरदस्त नाप तोल के, वो उनका जो है ना स्टार जो है ना बॉलिंग रनअप, वो मुझे रिकॉर्ड करना है किसी दिन, क्योंकि बड़ा वो नाप तोल के लेती है, तो ये जो दो चार नाम है, बैस है, चैंटाल है, मैं थिंक उसका नाम है, और भी बहुत सी लड़की मुझे नाम नहीं पता, तो जिनके आप बताएंगे कि यार ये हैं जिन्हें हमें उन्होंने हमें इंस्पायर किया था, ये हमसे पहले खेल रही थी, अब कौन हमारे साथ खेल रहे हैं, और कौन है जो एक आप लेटर ऑन, मैं हम एक श्रीलंका लड़की जो बहुत ही छोटी सी है, वो हर जगह वो ओंटारियो भी खेली है, मुझे उसका नाम याद, बैडमिंटन भी बड़ा अच्छा खेलती है वो, शी इज अ वेरी गुड स्पोर्ट्स फैमिली से है वो, तो आप लोग बताएं कौन है, और खुद ओंटारियो के लोगों को मैं जानता हूँ, मैं बाहर को नहीं जानता, बाहर वालों को इतना ज्यादा।
See, I'll start for. Oh, sorry, if you wanna start. No, you can start. It's fine. No. I was gonna say हम like जब मैंने cricket start की थी and the reason why I started cricket जो मैं mentor थे I would give full credit to Duri Shabir and Suta जो मैं coach थी तो Canada के लिए उस पर खेलती थी जब हम लोग local खेलते थे तो सारा जो भी मैंने inspiration मिली है जो भी था मैं उन्हीं को full credit देती हूँ और उसके बाद at the current point जो मुझे थोड़ी inspiration मिल जाती है वो Achini she's a really good batsman and best Bess is a really good all-rounder. Uska competition, I don't think so in Ontario mein kahin aur, not even Canada mein kahin aur hoga aisa. So these two are the inspiration, I would say. So main second karunga kyunki I think 2018 or 19 jab Canada Cup ho raha tha Ross Lord pe. 19. जो final में उसने इनिंग खेली थी तो मैंने कहा यार ऐसी मैंने कहा यार लड़कियां खेलनी चलो रिकॉर्डिंग करके फटाफट निकल जाएंगे उसने को आखिर में छक्के मारे हैं लंबे लंबे चार छक्के लाइक तो मैं क्या था पहले मैंने तू भी मैं बड़े खुल के बताता हूं कि वो ऑर्गेनाइजर्स को मैंने बोला था मैंने कहा लड़कियां खेल रही हैं हमें नहीं पता कैसे खेलेंगे तो लाइव मत करो ठीक है ना हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे एडिट करके लगा देंगे लेकिन जो उसने बैटिंग उसमें की मैंने बोला यार ये तो लाइव होना चाहिए था क्योंकि इट वाज एन अमेजिंग इनिंग और पूरा टूर्नामेंट और फाइनल जो था वो अच्छा हुआ था तो बिल्कुल मलिया सॉरी आप कुछ कहेंगे नहीं मैं एक्चुअली अपना ही बता रही थी सो आई थिंक आई सेकंड हिबा ऑन द हमसे पहले वाले जो इंस्पिरेशन थी बिकॉज एक्चुअली उनके साथ भी खेला हम लोगों ने बहुत और एक्चुअली लाइक ओवर हियर क्रिकेट सुधा एंड दूरी आर द वंस हु वर द बिगेस्ट इंस्पिरेशन एंड जो सीखा है उन्हीं से सीखा है अभी when it comes to cricket in Canada. So 100% owe it to them. And उसके बाद I think current जो साथ खेल रहे थे तो best आप सबको पता है amazing all rounder and I would also say Sania. Sania has been she is a very inspiring athlete I would say. So for me she has been very inspirational because of her fitness because of her like you know overall batting bowling she's a great athlete I would say. So मेरे लिए वो है. सही है मालूम का आप भी बताओ और थोड़ा सा ओंटारियो से बाहर का बताओ कि जिन लोगों को क्योंकि मोस्टली बहुत होता है हम देख नहीं पाते क्योंकि मैं और समहाउ मैं जितना थोड़ा सा एक्सपोजर हुआ तो लेकिन पिछले दो सालों में हम ट्रैवल नहीं कर पाए आउट ऑफ ओंटारियो तो यहाँ के प्लेयर्स का भी और जो ओंटारियो से बाहर हैं फरुक भाई हमारे साथ तो मसला ये हमने भी तो उनको नहीं देखा है ना लाइक लिटरली आई स्टार्टेड प्लेइंग इन 2017 आई हैवंट रिलीज्ड मैंने इनको नहीं देखा मैंने सिर्फ उनको एक कनाडा कप में टूर्नामेंट हुआ था मेरे ख्याल में आप लोगों का एक टूर्नामेंट और आप एक टूर्नामेंट कितना किसी प्लेयर को जान सकते हो तो आई डोंट थिंक मैं जस्टिस करूंगी अगर मैं उनका नाम लूं सो आई थिंक मैं भी मेरा भी ऑन्टेरियो से ही रहेगा लेकिन उधर भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं जो आए थे ट्रिनिडाड टोबैगो भी खेला था उन कुछ लोगों ने प्लेयर्स ने काफी बहुत टैलेंटेड हैं बट लाइक यू नो अगेन उनको भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली चाहिए 100% इट शुड बी कैनेडा वाइड नेशनल टीम जो उनके उनको भी इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली एंड आई एम प्रीटी श्योर कि गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज अगेन वुमेन्स कमिटी इज इन प्लेस और उनका भी रिप्रेजेंटेटिव है यू नो आई एम प्रीटी श्योर देयर गोना गेट मोर अपॉर्चुनिटीज एंड दिस इज गुड बिकॉज हमारा कॉम्पिटिशन का लेवल राइज होगा जब भी कॉम्पिटिशन बढ़ता है हर किसी का लेवल राइज होता है दिस इज द बेस्ट थिंग एवर जितना आप कॉम्पिटिशन लेकर आओगे दूसरे प्रोविंसेस से सब लोग उसका फायदा उठाएंगे तो आई थिंक दैट्स अ रियली गुड थिंग लेकिन अगर मैं आपको क्वेश्चन आंसर करना चाहूंगी और आई नो आपने फ्यूचर का ही पूछा था तो मैं फ्यूचर का भी जवाब दूंगी आई थिंक अपकमिंग रबजोत मुझे लाइक आई थिंक शी इज अ ग्रेट बॉलर एंड इतने आसानी से उसने बैटिंग पकड़ी है यू नो बैटिंग विद अ स्ट्रेट बैट इट्स अमेजिंग आई थिंक शी इज एक्सट्रीमली अपकमिंग करंट में मेरे लिए जो दो होंगे एक होगी कामना मिर्चंदानी बिकॉज वो लिटरली इज द ओनली लेग स्पिनर दैट आई नो ऑफ एंड शी इज वेरी मोटिवेशनल एंड शी इज वेरी काम एंड कलेक्टेड एंड अगेन उनका सिर्फ क्रिकेट में क्रिकेट का प्रेजेंस नहीं रहता उनकी लीडरशिप भी होती है तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आप क्रिकेट ना करो और बाकी सब अपनी पर्सनैलिटी और अपना कल्चर भी लेकर आओ टीम के अंदर और दूसरी प्लेयर आई वुड से कायनात काजी बिकॉज कायनात ने लिटरली फास्ट बॉलिंग सीखी पकड़ना सीखा 2017 में और अब टुडे शी इज द वन ऑफ द फास्टेस्ट आई वुड से इन कैनेडा फास्ट बॉलिंग इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न पेस लाना एक्शन सही से करना जो आप कहते हैं ना तो लाइक नापरी है सब कुछ उसको इन स्विंग आती है आउट स्विंग आती है प्लस उसकी बैटिंग आप देखें लास्ट ऑन्टेरियो में आई थिंक शी वाज लाइक सेकंड हाईएस्ट रन्स एंड उसकी फील्डिंग अमेजिंग है सो लाइक यू नो दैट्स द लेवल दैट आई सी के यू नो लिटरली शी वाज
आई वुड से एट द सेम लेवल एज मी, लेवल जीरो. हमने आई थिंक सिमिलर लेवल से स्टार्ट किया, एंड जितना उसने इम्प्रूव किया, जितना लाइक आई वुड से शी इज वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ. सो इट्स शी इज वेरी इंस्पिरेशनल टू मी, एंड आई वुड से पास का आई थिंक यूनानिमसली दुरिया एंड सुता, लाइक देयर इज नो मैच फॉर देम एट ऑल. सो So basically very optimistic if आपका जो future है वो secure नजर आ रहा है, new talent आ रहा है, much ज़्यादा ठीक है. और उसमें ये बताएं एक चीज, आप जो feel करते हैं आज तक यहाँ पे जितने भी matches हुए, कभी आपने audience के साथ match खेला या हमेशा feels हमेशा जो crowds नहीं आते हैं वहाँ पे? किसके साथ? Audience के साथ. Audience के साथ. Audience live audience. Yeah. मतलब फैमिली ऑडियंस या लाइक ग्राउंड गए हो तो 500 बंदा खड़ा हुआ वहाँ पे, या 200 बंदा खड़ा हुआ, या 50 बंदा खड़ा हुआ जो तालियां बजा रहा है, हूटिंग कर रहा है, कुछ इस तरह का? क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन इसलिए भी है कि देखें आप लोग जिस तरह अल्लाह करे आप लोग आगे कामयाबी पाए और वर्ल्ड क्वालिफाई करते हैं, ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स में जाते हैं, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट डिफरेंट होते हैं ना, वहाँ पे तो क्राउड होते हैं, वहाँ पे शोर शराबा होता है, तो उस एनवायरनमेंट से अपने आप को एडजस्ट करना, उस प्रेशर को नॉट ओनली सस्टेन करना बट उसमें अपनी नर्व्स को रिटेन करना और परफॉर्म करना, ये एक कंप्लीट आपके लिए एक एजुकेशनल और एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है. और उसके लिए आप लोग, क्योंकि खातीन का जो क्रिएटिव साइड है वो हमसे ज़्यादा काम करता है, आई बिलीव इन दिस, तो आप लोग क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आप कम अज़ कम लोकल क्राउड को तो अट्रैक्ट करें टू एटलीस्ट टू द हायर लेवल ऑफ द क्रिकेट दैट कैनेडियन वुमन प्ले यहाँ पे जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं? सुल्तान भाई, इफ़ यू लेट मी, आई वांट टू आंसर दिस. क्योंकि आई रिमेम्बर जब मैं ट्रिनिदाद गई थी तो वहाँ पे हम लोग के जो स्टेडियम में गेम्स होते थे देर वर लॉट ऑफ क्राउड, और हम लोग के सारे नाइट गेम्स हुए थे स्टेडियम लाइट में. कैनेडा में हम लोग को कभी नाइट गेम्स का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, एंड दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई वॉज प्लेइंग अ नाइट गेम इन अ स्टेडियम फुल ऑफ क्राउड. तो इट वॉज अ रियली गुड एक्सपीरियंस, एंड आई वुड से क्राउड, लोकल क्राउड के होने से ना बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है, यू गेट मोर मोटिवेटेड टू परफॉर्म वेल. तो आई वुड से कि अगर यही चीज़ हमें कैनेडा में मिले, क्योंकि आई नो मेंस की गेम में होती है क्राउड, एंड आई कैन ईजिली थिंक कि वुमेंस गेम में इफ द मेंस आर सपोर्टिंग अस, या कोई भी लोकल पीपल, अगर लोकल टीम्स हमें सपोर्ट करें, हमें वही मोटिवेशन, वही क्राउड मिल सकता है, एंड दैट वुड बी ह्यूज थिंग फॉर अस. क्योंकि परफॉर्मेंस क्राउड के सामने बहुत डिफरेंट होती है, एंड वो फीलिंग ही डिफरेंट होती है. तो येस, दैट वुड बी ह्यूज थिंग. तो आई वुड से मोटिवेट करने के लिए जस्ट टू लाइक ask people for supporting us is the biggest thing that we could ask. Ani mera tha marketing elements hai na, marketing engagement hai, jisme aap logon ko pehle se pata ho ki yahan pe koi event ho raha hai, triple ho raha hai. Aur mera khayal hai, meri sense ye kehti hai ki agar aap usko sirf cricket ki had tak rakhte hain to shayad log usko, kai log follow bhi nahi karte sahi tarah se, lekin agar uske sath koi entertainment ka element add kiya jaye to that can help. Like in साथ पे कोई बच्चों के जो भी है bungee jumping है या कुछ भी है, और किसी किस्म की entertainment को add करें तो जो लोग for the sake of fun आ जाते हैं, food के stalls हैं या उस तरह, ताकि जिस तरह आप देखें यहाँ पे लोग जो होते हैं अक्सर, मैं इस तरह के इवेंट्स देखता हूँ यहाँ पे square one में बहुत ज्यादा होते हैं, आप लोगों को पता होगा, और यहाँ पे सारे इस तरह के स्टॉल्स लगे थे, डिफरेंट किस्म की कमर्शियल चीज़ें हो रही है, तो बहुत क्राउड आते हैं, इतने क्राउड आते हैं. और ये वही लोग हैं जो बेसिकली क्रिकेट के डाई हार्ट फैन व्हेन कम्स टू वॉचिंग क्रिकेट. तो ये उस तरह का एक्सपीरियंस आता है कि वहाँ पर जाके फैसिलिटीज नहीं है. तो मेरे ख्याल अगर इसको पूरा एज अ सर्वे, भाई आप क्या कहेंगे अगर ऐसे कैंपेन हो? बिल्कुल कहूंगा मैं तो, मेरे को तो आइडियाज आ रहे हैं कि यार वो क्रिकेट मैच हो रहा है तो वहाँ पे कहेंगे लड़कियों के लिए मेहंदी फ्री है, तो जो लड़कियां मैच देखने आएंगी उनको मेहंदी लगाई जाएगी. हां, मेहंदी का स्टॉल है. आईडिया कैसा है? नहीं, व्हाटएवर वो मुझे मेहंदी नहीं पसंद. हां, मतलब लड़कों को मेहंदी नहीं पसंद. खेलने वाले को नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूं जो देखने आएगा उनको मेहंदी लगाई जाएगी. हां नहीं, लेकिन इस तरह की बहुत सी चीजें आता है. देखिए यहां पे बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि वहां पे अपने स्टॉल्स लगा सकते हैं, लोग जाके जहां पे खाते हैं. हम लोग खुद जाते हैं ऐसे इवेंट्स पे, बल्कि एक सोशलाइज होने का जो मौका भी मिलता है, एंटरटेनमेंट ही है ना. तो अगर वो क्रिकेट के साथ एसोसिएट करें, और आप ये देखें कि आप जितने भी आप आउटसाइड द कंट्री जाएंगे या किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे लोग इंजॉय करने जाते हैं, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि उस एटमोसफेयर को भी, जिसमें उनको हर चीज अवेलेबल होती है, तो स्टॉल्स हैं, खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, किसी किस्म की भी गेम्स हैं वहाँ पे साइड में बच्चों के लिए.
तो आई थिंक इस तरह के इवेंट्स को करें, क्योंकि असल चीज ये होती है कि लेके आना, फर्स्ट रिकॉग्नाइज कराना कि यार इस गेम के साथ लोगों को फन एसोसिएट हो, एफिलिएट हो। नहीं तो कई लोग जो फॉलो नहीं करते क्रिकेट या इतने उसको फॉलो नहीं करते, वहां पे थोड़ी देर में बोर हो जाएंगे। फिर क्योंकि हमारी फैसिलिटीज जो है वो इतने ज्यादा सिटिंग अरेंजमेंट्स नहीं है, तो जब तक ये ऐसी एलिमेंट साथ नहीं होती, क्योंकि जब ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं तो उनकी सीटिंग अरेंजमेंट में किसी हद तक वो अपने अपने स्टॉल्स करते, तो लोगों को थोड़ी सी जगह मिल जाती। और आजकल तो मेरा ख्याल है कि कमिंग फॉरवर्ड, अगर ये अल्लाह करे हम इस जो है पेंडेमिक से निकल जाए, तो पीपल विल बी फाइंडिंग रीजन टू गो आउट। मेरा ख्याल है कि उसको आप तो अगर राइट टाइम पे कैश करें, और मेरा ख्याल है वुमेन क्रिकेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें लड़के जो है वो तो आपको पता है 3-3 गेमें भी दिन में मिले तो खेल जाएंगे, वुमेन के लिए बहुत जरूरी है कि उनको इंकरेजमेंट मिले, बैक मिले। और एक चीज होती है कि हम मारुख हैं, मलिया हैं, हिबा हैं, फरुख भाई आप भी हैं, और शायद आप लोग मेरे एग्री ना भी करें, एक चीज होती है उसको डिस्कस करना, और एक चीज होती है उसको टेक अवे लेके जाना कि यार अच्छा ये चीजें तो है, ये तो मसले हैं, और वो 10 लोग आगे बता देते हैं, लेकिन उसको अगर कंटेम्पलेट ना करें, उसको चेकलिस्ट ना बनाए, उसके ऊपर सोचा ना जाए, कुछ लोग इनिशिएटिव ना लें, तो इट विल बी सेम इन 10 इयर्स। तो हिबा को बहुत क्रेडिट दूंगी, बिकॉज जब भी हमारे कोई भी टूर्नामेंट्स होते हैं वो सबको, हम सबको इंकरेज करती है कि एटलीस्ट अपनी फैमिली को तो लेकर आओ, बिकॉज उसी से वहां से स्टार्ट होता है, राइट? अपने लोगों को लेकर आओ, अपने फ्रेंड्स को लेकर आओ, उसकी फैमिली होती है हमेशा, आई थिंक दूसरे लोगों की भी होती है, एंड इट्स जस्ट लाइक इन जनरल ऑल आई विल से टू दैट फॉर सुल्तान भाई इज दैट वी आर डूइंग व्हाट वी कैन विद द लिमिटेड support we have. लेकिन अभी थोड़ा सा हमें like उस तरह की चीजें like you said ना कि entertainment होनी चाहिए, उसके लिए थोड़ी सी funding भी sometimes चाहिए होती है, थोड़ा सा time चाहिए होता है, और हम लोग we're very ready to dedicate that time, but लेकिन हमें भी थोड़ी सी support चाहिए, financial support, even like let's say like mela sorts, right? Like have it really fun, like entertainment. It's a GT20 को आपने देखा है, right? Like आप cricket देखने जाते हो, लेकिन stalls भी होते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें थोड़ा सा help चाहिए, like हम लोग ये नहीं कर सकते, as a cricketers तो देखें आप लोगों की responsibility भी नहीं है ना, असल में तो ये तो some people who work around it उनको initiative लेना चाहिए commercial पे, I think मलिया के भी commitment है। मेरे ख्याल में मलिया को खत जाने से पहले एक सवाल मलिया से पूछते हैं, मेरे ख्याल में अगर इस इंशाल्लाह ताला इस सीक्वेंस का जब नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो क्रिकेट कनाडा या और प्रोविंशियल लेवल पे या सिटी लेवल पे जो वुमेन क्रिकेट चलाने वाली ख्वातीन हैं या जो हजरात हैं उनको हम लेके आएं और उनसे बात करें, क्योंकि वो हम अपने बारे में तो हम 5-6-8 लोग बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन उनके क्या मसाइल हैं, व्हाट आर द डिफिकल्ट्स, सो वो करेंगे। चलो मलिया को जाना है, बल्कि हम भी अपना बस अब 4 मिनट में प्रोग्राम खत्म करना है, वो मेरा हमेशा टारगेट होता है 45 मिनट का, और आज तक जो ना मेरी हाइट पूरी नहीं हुई, मैं खत्म कर सकूं, तो कोशिश जारी है। बिल्कुल मलिया, आप क्या कहोगे कि कैसे कैसे इम्प्रूव हो, आपके ख्याल में 2 या 3 चीजें जिनसे वुमेन क्रिकेट इम्प्रूव हो सकती है या बढ़ सकती है लोगों के दरमियान या शौक बढ़ सकता है? आई थिंक अभी द प्लेयर्स हु आर ऑलरेडी प्लेइंग, हम लोग सब जैसे हैं तो वो तो सब खेल रहे हैं। द प्रॉब्लम इज के फ्यूचर ऑफ क्रिकेट के बारे में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए, द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, द प्लेटफॉर्म्स जो हम दे सकते हैं फॉर पीपल हु आर यंगर देन अस, सो उन लोगों के लिए भी लाइक यू नो, एंड देन ऑब्वियसली फंडिंग एंड फ्यूचर टूर्नामेंट्स एंड जस्ट हैविंग वुमेन्स लीग्स एंड ऑल दोज थिंग्स, ओवरऑल आई थिंक इट्स गोइंग टू हेल्प, एंड डिवेलपमेंट पर बहुत फोकस होना बहुत ज़रूरी है। फरूख भाई, इस पे नोट पे मैं छोटा सा क्वेश्चन करूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा भी मौके होने चाहिए जिस तरह लोगों मेन के तो छोटे छोटे टूर्नामेंट्स होते हैं, मतलब 20 over T10 व्हाटएवर फॉर्मेट्स के छोटे छोटे, उस तरह वुमन के भी होने चाहिए मेरे ख्याल, क्योंकि इनकी लीग के तो ये बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, सिर्फ लीग के अगर स्केड्यूल होगा नहीं होगा उसमें भी 10 गेमें 15 जितनी भी इनकी होती है, बहुत कम क्रिकेट होती है। नहीं बिल्कुल होना चाहिए, इस पे काम हुआ भी है, हो भी रहा है और इंशाल्लाह ताला होता रहेगा। लेट्स सी, मसला ये कि पहले तो यार हमारी जो लड़कियां हैं बड़ी मुश्किल से, एक तो ये लोग जो है ना वो टाइम उनका निकल पाता है, यानी कि हमें अपने प्रोग्राम्स में लाने में उनको बड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ पिछले 4-6 महीने से कि अब एक्सपोजर बढ़ रहा है, लोग आ रहे हैं सामने बात करना चाह रहे हैं,
मारुख तो शी कोचेस पीपल हाउ टू कम एंड टॉक राइट, तो मुझे लग रहा है तो थोड़ा सा काम किया है लोगों के ऊपर, तो नाउ पीपल आर विलिंग टू कम टू आवर प्रोग्राम. वरना मेरे पास, मैं आपको दिखाऊं कि मैसेजेस कर करके पिछले 3 साल में मर गया लोगों को कि भाई आ जाओ कुछ प्रोग्राम कर लें. तो बट नाउ इट्स गुड, चलो एटलीस्ट इट्स अ गुड स्टार्ट. और मरिया की बात भी बिल्कुल ठीक है. तो मेरे ख्याल में इसको हम जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम में सून हम करेंगे और कुछ दूसरे लोगों को लेके आएंगे. अभी तो हमने क्योंकि हमारा प्रोग्राम का ज्यादा जो ऑडियंस है वो उर्दू और हिंदी सुनने वाला था, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि दूसरे लोग भी इसमें आए राइट, और उसमें हम बात करें उनसे. क्योंकि थोड़ा लोगों को ये लगता है कि पता नहीं क्यों स्पोर्ट्स एंड कुछ या पाकिस्तानियों के लिए, भैया ऐसा नहीं है, हम सबके लिए प्रोग्राम करते हैं और उनको हम चाहते हैं कि वो आए इसको करें. तो बिल्कुल, चलने से पहले सुल्तान भाई आपका एंडिंग नोट और फिर इन तीनों हमारे गेस्ट का एंडिंग नोट लेते हैं और फिर उसके बाद. जी सुल्तान, मेरा एंडिंग नोट ये है कि गुड लक जो आप कर रही हैं उसको पैशन के साथ इसी तरह करते रहें और नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ. यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग, और भी करें और यू नो सपोर्ट के डोर्स ओपन होंगे. वी हैव टेकन द इनिशिएटिव विद टाइम. आई प्रॉमिस आई विल बी एबल टू असिस्ट मोर इफ आई कैन, इंशाल्लाह. आप भी मेरे लिए दुआ करें. इट्स लाइक यू नो द वे इट गोज, जितने हालात हमारे बेहतर होंगे उतना ही हम बेहतर आप लोगों को सपोर्ट कर सकेंगे. अगेन शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फरुख भाई को फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव. और एक हम्बल रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे है, आपसे और जो ऑडियंस देख रही है, आपकी जो भी क्रिकेटर्स हैं या आपकी जितने भी फ्रेंड्स हैं जो कॉलीग प्लेयर्स हैं, उनको अगर आप कर सकें कि प्लीज मोटिवेट हों और आए अपने आप को आके अपनी अपनी वॉइस सुनाए, तभी मसले हल हो सकते हैं. क्योंकि हम लोग आपकी सारे सुने और उसके ऊपर शायद 10 चीजें अगर प्रॉब्लम हैं तो हम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से एक को हल करें, एक वन एट अ टाइम करते करते विल गेट समवेयर. तो इंशाल्लाह प्लीज, एंड नेक्स्ट टाइम अगर फरुख भाई इजाजत दें और ये ऑर्गेनाइज करें तो प्लीज इंकरेज होकर जरूर आए. छोटा टाइम दें, 30 मिनट्स के लिए आए, लेकिन आए और बात करें. चाहिए बिल्कुल हिबा प्लीज. थैंक यू. आई वाज गोना से थैंक यू फरुख भाई, स्पेशली आपका जो प्लेटफॉर्म होता है वो हमेशा सबसे आगे होता है वुमेन्स क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए. सिंस 2017-2018 तब से हम लोग ने टूर्नामेंट स्टार्ट किए. फरुख भाई यू हैव बीन देयर एवरी गेम, हर शो को आप वो लाइव शो कर रहे होते हैं, तो दैट हैज बीन रियली हेल्पफुल. थैंक यू. एंड सुल्तान भाई आपको स्पेशल थैंक्स, क्योंकि जो आपने आज हमें सपोर्ट दी है दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. एंड इंशाल्लाह एज यू मेंशन, अगर आप फ्यूचर में भी सपोर्ट करते रहेंगे देन मोर एंड मोर गर्ल्स विल कम आउट बिकॉज दे विल सी द सपोर्ट दैट दे आल्सो नीड, बट जो उनको आज तक नजर नहीं आई, मिली नहीं, तो इस शो के बाद आई एम प्रीटी श्योर उनको भी नजर आएगा एंड इवेंचुअली दे विल कम आउट टू टॉक और जस्ट हैव मोर एक्सपोजर एज वेल. सो ओवरऑल आई वुड से कि big thanks to sports trend and just keep supporting us and inshallah women's cricket in canada will grow inshallah. Lizzie, thank you very much for your nice words, but this is really koi help nahi hai. This is aap log ka haq hai, hum log ko bahut zyada karna chahiye, lekin har ek ki apni limits hai, usme rahe ke agar thoda thoda bhi kare to inshallah will help. Maruf, honestly I think Hiba ne sab kuch bol diya, lekin I will just echo that ke Farooq bhai thank you so much. Bahut time, bahut effort, bahut investment lagti hai behind the scenes ye karne ke liye, hum sabko ikattha karne ke liye, hamesha hamare liye baat karne ke liye. So thank you. And Sultan bhai again, I know ke ye cheeze bahut aur logon ko karni chahiye, lekin still it takes a lot for to be the first one, I would say, to come on the show, give us all gloves, like we all really need gloves, and cricket is not a cheap sport, expensive sport hai, yahi to masla hai, like you know, like thank you, hame like bats, gloves, clads, ye hame is cheezon ki zarurat hai. Thank you so much for the support and thank you for being the first one and for organizing all of this and showing your support to everyone. So thank you and good luck. Welcome, thank you. First of all, actually, I'm just going to reiterate what Maruk and Hiba have said. Farooq bhai, thank you so much. Aapka, as we all know, hamesha women's cricket ki support ke liye aap sabse aage hote hain. Thank you for that. And Sultan bhai, thank you so much for the initiative. We really appreciate it. And inshallah, I hope we can all do justice to all of your supports and just help cricket grow in Canada. Thank you. सही है, बिल्कुल नहीं, जबरदस्त हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सुल्तान भाई का, जिन्होंने खुद आगे बढ़ के ये इनिशिएटिव लिया और आप सब लोगों के लिए चीजें भी प्रोवाइड की, तो आप तक वो इंशाल्लाह ताला चीजें पहुंच जाएंगी. अब आपका ये फर्ज है कि जो भी है उसको थोड़ा सा मार्केट करें, इनको भी थोड़ा सा कामयाब बनाएं और इस प्रोग्राम को हम आगे लेके चलेंगे. और बिफोर आई लेट यू गाइज गो,
हमारा कल का प्रोग्राम भी एक बड़ा स्पेशल प्रोग्राम है. यूएस के हमारे क्रिकेटर्स हैं और प्रेसिडेंट ऑफ ह्यूस्टन क्रिकेट लीग मिस्टर ग्रोव त्रिपाठी होंगे और मनीष चौधरी जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा क्रिकेट कॉम्प्लेक्स है उसके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो भी होंगे और हमारा ये प्रोग्राम करेंगे जनाब मैक्स जेफ जो कि एक बहुत ही भम्बाट किस्म के और ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो हैं वो कंपेयर हैं. तो कल रात को कितने बजे 8 बजे देखना ना भूलिएगा सैटरडे को बल्कि सॉरी हमारे 9 बजे होंगे और 8 बजेंगे ह्यूस्टन में. तो ये हो गया हिबा जो है वो फ्रीज हो गई थी कहीं और पे और अब यहाँ वापस आ गई हैं तो नहीं कोई मसला नहीं है. तो थैंक यू वेरी मच सबका और बहुत बहुत शुक्रिया मलिया बहुत बहुत शुक्रिया आपका मारुक आपका बहुत शुक्रिया. पीएसएल बैठक शुरू होने वाला है नेक्स्ट वीक से. आई वुड लव टू सी यू गाइस इन दैट. अगर आप लोगों को मलिया पीएसएल पे कोई इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत जी थोड़ा बहुत है चलो बाकी हम कर देंगे तुम फिक्र नहीं करो. हम लोग तो फरुख भाई बैठक की जरूरत क्या है क्वेटा को तो वैसे ही जीतना है टूर्नामेंट. मेरे पास तुम्हारे लिए भाई वो कोयटा वाला हो तुम्हारा कप्तान कराची में छूट गया है. कप्तान नहीं कप्तान जीतना तो कोयटा को ही है तो कोई मसला नहीं है. मैं बिल्कुल आप लोगों के जज्बात को इमोशन को समझता हूँ. लाहौर जीत जाएगा बट मेरी सिंपथीज आप लोगों के साथ हैं. अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला आप लोग प्रोग्राम में जरूर आइएगा और उसमें हम वो जब भी पूरा टूर्नामेंट इंशाल्लाह होगा उसमें रोज बात करते हैं. बड़ी लड़ाइयां होती हैं तो दिन भर समझाता हूँ कि भाई दिन भर ग्रुप में नहीं लड़ो बाद में प्रोग्राम पे आके लड़ो. मुझे पता ये 1 घंटा 6 मिनट हो चुके हैं हमारे प्रोग्राम को. तो चले भाई सबका बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप लोगों से जो है वो मुलाकात होती है. ख्याल करें अपना. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.